नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। सबसे पहले तो मेरे सभी तंत्र के साधकों को, जो लोग स्पिरिचुअल जगत में आए हुए हैं, वो लोग अपने कमर कस लें। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, जो 18 तारीख को समापन होगी। तो इस समय में आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, अपनी साधना इन 9 दिनों में कर सकते हैं, इसका भरपूर आपको फल मिलेगा। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि देवी देवता से बात कैसे करें। इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। और सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन और आग्रह करना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है। मेरे वर्ड थोड़े से हार्श हो सकते हैं, जैसे इस वीडियो में मेरे वर्ड थोड़े से हार्श हो सकते हैं। मेरा वो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि मैं आपके किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन अपने पहले के भी वीडियो में मैंने जो बातें हैं वो स्ट्रेट बोली हुई हैं, और स्ट्रेट बातों वालों के फॉलोअर्स थोड़े कम होते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों के ज़्यादा होते हैं। आप मुझसे जिस भी तरीके से बात करेंगे, मैं उसी तरीके से आपको आंसर दूंगा। अगर आप उठपटांग बातें करेंगे तो आपको वैसा ही आंसर मिलेगा, क्योंकि जब मैं किसी का कुछ उठपटांग खा नहीं रहा हूं तो आप कोई नहीं होते हैं मुझे कुछ भी सुनाने वाले। आपको मैं इस तरीके से बता देता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पे 1 लाख के ऊपर फॉलोअर हैं, और कहीं पर भी मैंने किसी भी चीज़ का पैसे से रिलेटेड विज्ञापन नहीं किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हुआ है। मेरा एक नंबर है जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, 7992058825। इस नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप देख सकते हैं मेरे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आपको वहाँ पर कुछ रुपए पैसे देखने को मिलेंगे जो मुझसे बात करने का आपका अपॉइंटमेंट है। लेकिन मेरे उस व्हाट्सएप पे भी ऐसे 500 मैसेज पड़े हुए हैं जिनको मैंने खोला ही नहीं है। आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपना मैसेज करिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, लेकिन आपको मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं पैसे के पीछे नहीं हूं और ना हूं। जब भी आप किसी भी चीज़ों में, यानी स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं, तो स्कूल में जो चुनाव होता है वो आपका अपना व्यक्तिगत चुनाव होता है। देख समझ के आप चुनाव लेते हैं कि आप किस भी स्कूल में पढ़ाई करें ना करें। उसके बाद जब भी आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आपको फीस देनी पड़ती है, क्योंकि आप उसका टाइम ले रहे हैं, आप उसकी शिक्षा नहीं ले रहे हैं। शिक्षा तो उसके पास है, शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका आप टाइम ले रहे हैं, तो वो टाइम किस पैसे होते हैं। जब भी आप मेरा टाइम लेंगे तो आगे भविष्य में भी आप मुझे पैसे पेड करेंगे, और ये बात मैं इस सोशल मीडिया में खुलेआम कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा समय अगर लेंगे तो आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे। और इस बात से अगर आप सोचते हैं कि इस पूरे YouTube में या कोई पर भी आपको कोई मुफ्त में कोई भी ज्ञान दे देगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इंसान का समय जाता है, उसके विचार जाते हैं, सब चीज़ों में समय लगता है। कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि पूरे जनता में अपना ज्ञान फ्री में बांटता रहे, क्योंकि उसकी भी अपनी फैमिली होती है, चीज़ें होती हैं, समय होता है। वो समय आपको निकाल रहा है, तो समय बहुत बहुमूल्य होता है, और समय किसी के लिए नहीं रुकता है। दूसरी बात है, मैं एक चैनल देख रहा था, चैनल का नाम है शिव कृपा, उनके बहुत अच्छे वीडियो हैं, मिलियन में फॉलोअर हैं। एक वीडियो है उनका जिसमें उन्होंने इसी टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि देवी देवता बात करते हैं। तो उनका एक वर्ड है जो उन्होंने बोला हुआ है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो भगत नहीं हो सकता है। ये सरासर गलत बात है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वहाँ पर हम दिन रात किताबें पढ़ते हैं, जैसा उन्होंने बोला है किताबी ज्ञान होता, बिल्कुल सच बात है। मैंने MA इन एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है, तो किताबी ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, और नॉलेज नॉलेज होता है, चाहे वो किताबी हो चाहे किसी के द्वारा सुना हुआ हो। नॉलेज किसी का मोहताज नहीं होता है, नॉलेज ज्ञान मतलब ज्ञान होता है, चाहे उसे आप कहीं से लें। उस पोस्ट में बैठा हुआ जो जज होता है ना, जो मजिस्ट्रेट जो मुकदमे देता है, जिसे हम लॉर्डशिप बोलते हैं ना, वो नॉलेज भी कहीं से लिया गया है। तो नॉलेज कहीं से भी आप ले सकते हैं, और ये सरासर गलत है कि कोई एस्ट्रोलॉजर साधक नहीं हो सकता है। जब आप साधना अर्चना पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें आप उन नॉलेज को पराशक्तियों से ग्रहण करते हैं, एक पर एक आपकी साधनाएं चलती हैं, निरंतर तप चलता है,
उसी प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजी की विद्या होती है वो भी आप ग्रहण करते हैं, किताब पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, ये परानेचुरल शक्तियाँ हैं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने 2 घंटा 1 घंटे का समय देकर साधक बन सकता है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर और साधक हूँ, काफ़ी समय से तंत्र मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात, अब इस वीडियो के पॉइंट को थोड़ा समझाता हूँ, मुझे समझाना बहुत जरूरी था इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। देवी देवता से आप बात कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक गुरु को धारण करिए। एक कमेंट हमेशा आता है कि इस पूरे पृथ्वी पर 95% गुरु फ्रॉड हैं और 5% सच है। आपकी बात सच है बिल्कुल, लेकिन ये जो काम होता है ना, रेत में से सुई निकालने का काम, ये आपका काम है। आपके प्रारब्ध में अगर सही गुरु होगा तो निश्चित ही आपको मिल जाएगा, मिलेगा। जब आप स्कूल पढ़ते हैं तो आप उसके स्कूल के बारे में पता करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्कूल होते हैं। फिर आपने पर्टिकुलर उसी स्कूल में, कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया? कुछ तो आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में जाना होगा, परखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों से आपको समझना पड़ेगा। मैंने अभी तक अपने इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैंने कहीं पर भी कोई प्रचार नहीं किया, ना मैं गुरुदीक्षा दे रहा हूँ। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में कहा था कि जब मेरे 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं ये सब चीज़ें देना चालू करूँगा। अभी भी मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैं कब दूंगा कब नहीं दूंगा। तो फिलहाल मेरा ऐसा कोई पैसे कमाने का मन नहीं है, ना मैंने सोचा है अभी तक। जब माता रानी का आदेश होगा तब ये आगे कार्यक्रम किया जाएगा। तो सबसे पहले एक गुरु बनाइए, और गुरु पाखंडी है, ढोंगी है, कैसा है, ये आपके अपने कर्म हैं। इसमें आपको पहचानना है। इस दुनिया में अगर धर्म है तो अधर्म भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, सब प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। अगर सीता माँ है तो सुपड़खाएँ भी हैं, राम है तो रावण भी हैं। अभी आपकी किस्मत है कि आपके हाथ में क्या आता है, रेत आती है कि पूरा मकान आता है। तो आपके अच्छे कर्म अगर होंगे तो आपको निश्चित ही अच्छा गुरु मिलेगा। तो इसमें आपके कर्म होते हैं, अच्छे पूजा पाठ होते हैं। क्या आप बिना गुरु के पूजा पाठ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूजा पाठ करने वाले के लिए कोई नियम नहीं है, कोई रोक नहीं है। पर क्या देवी देवता आपसे बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ आपको स्वप्न शास्त्र में ही ये सब चीज़ें सिमट कर रह जाएंगी, क्योंकि गुरु आपकी कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित करते हैं। गुरु आपको तरीका बताते हैं, गुरु आपको संकेतों का माध्यम बताते हैं। उन संकेतों को कैसे आपको जानना है, क्या करना है, इसके आगे ये गुरु ही समझा पाएंगे। क्या आपको पता है कुंडलिनी में जब आप ऊपर आज्ञा चक्र से बढ़ते हुए बिल्कुल लास्ट में जाते हैं तो वहाँ का उच्चारण क्या होता है? वहाँ का उच्चारण केवल अपने गुरु का ध्यान होता है। क्या आपको पता है कि गरुण पुराण में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि जब गरुण पुराण में आपको दंड मिलेगा ऊपर नरक में, तब आपको कौन काम आएगा? तब आपके गुरु के मंत्र काम आएंगे, गुरु का ध्यान काम आएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी शासन काम नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो बिना उसके नहीं होती हैं। देवी देवताओं से बात करना तो बहुत दूर की बातें हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे झटके आते हैं, मुझे सवारी आती है, मुझे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन कुछ दिखता नहीं है। और ये बातें मेरी कोरी मिथ्या नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, चीज़ें देखी हैं मैंने। आप खुद कमेंट में ऐसे चीज़ों का मेरे सेक्शन में जाके पता लगा सकते हैं। मेरे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी चैनल हैं जिनके कमेंट सेक्शन में जाके आपको इस बात का देखने को मिलेगा कि कितनी बातें ये सच हैं, ये सच है। तो आप वहीं तक सिमट के रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप गुरु बनाइए। अब मेन आती है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, अगर उसने साधक किया हुआ है, साधक का काम किया है, तो जब वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्लैनेट की पोजिशन को आपको बताएगा, कोई उपाय देगा, तो अगर वो साधक है तो उसके जिह्वा में सरस्वती का वास होता है, वाक सिद्धि मिलती है, तो वो एस्ट्रोलॉजर की बात भी सच होने लग जाती है। इसीलिए जो अच्छे साधक होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके प्रिडिक्शन भी सही हो जाते हैं। यहाँ पर साधना काम आती है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान काम नहीं आता है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं। जब कोई साधक होगा तो आपको छू कर, एहसास करके आपको ज्ञान दे देगा, और कोई सच्चा साधक होगा तो आपको देखते ही आपके मन के छल कपट को भाप जाएगा, आपकी चीज़ों को भाप जाएगा, क्योंकि उसका ऑरा आपके ऑरा से मैच नहीं करेगा। फिर वो रुपए पीछे पैसे के पीछे नहीं भागेगा, आपको मना कर देगा, मैं आपको गुरु दीक्षा नहीं दे पाऊंगा। ये सच्चाई है। तो गुरु भी असली जो होगा वो भाप जाता है। और गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों के कई सारे गुरु हो सकते हैं, मेरा भी गुरु है, मेरा भी गुरु, ऐसा नहीं है। कोई जो पंडित, जो पुजारी है, मंदिर के कपाट खोलता है, वो कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता है। वो आपको उसी का गुरु बनाएगा जिस चीज़ का आपको ज्ञान चाहिए। आपको श्लोक पढ़ा सकता है, आपको
चालीसा पढ़ा सकता है, आपको कथा का ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो सुपर नेचुरल पावर के बारे में नहीं बता सकता। एक एस्ट्रोलॉजर आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पढ़ाएगा, एक तंत्र का साधक तंत्र के बारे में बताएगा, तो जो जिस चीज़ का डॉक्टर है वो उसी चीज़ के बारे में बताएगा। तो सब चीज़ें अलग अलग हैं। लास्ट में जाते जाते एक मुझे कमेंट आया था कि क्या गुरुजी आप एस्ट्रोलॉजर हैं कि तंत्र के साधक हैं, तो मैं दोनों हूँ। अभी वो समय नहीं आया है कि मैं किसी को गुरुदीक्षाएँ दूँ या चीज़ें दूँ। आप मेरे वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं www.ktgyan.com। कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर भी आपको एक रुपये भी देना पड़े, कहीं से भी आप पेड नहीं कर पाएंगे मुझे, क्योंकि पैसे का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बस इस आज के वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि कृपया भ्रमित मत होइए, एक अच्छे से गुरु की पहले तलाश करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप से अपनी पूजा अर्चना साधना जारी रखिए। भगवान पूजा अर्चना साधना में बिना गुरु के भी बहुत कुछ देते हैं। बस जो आपके सपने हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे अपने हाथ से जादू निकालना है, मैं कुछ बोलूँ, तो वो ये सब नहीं होते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो कन्फर्म हैं कि आपकी पूजा साधना अर्चना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप गृहस्थ जीवन के हैं तो निश्चित ही आपको गृहस्थी में सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आगे बढ़ जाएंगे। विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तरक्की कर जाएंगे। तो अगर आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं तो इन सपनों को अभी स्टॉप कर दीजिए, विराम लगा दीजिए। मनोकामनाएं अगर आप हैं तो भगवान की शरण में जाइए, कुछ मत करिए, कोई नियम नहीं, कोई परहेज नहीं, बस राम राम ही जप लीजिए, बस इतना काफ़ी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं उन लोगों का अभी तक के सफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नमः, जय महाकाल, जय महाबलम।